दोस्तों आज मैं अपनी पहली अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। तो आज हम अनबॉक्स करेंगे एक बजट साउंड बार। मैं पिछले 5 साल से अपना ये FND का ब्लूटूथ स्पीकर यूज कर रहा था, जो कि अब खराब हो चुका है, 30 सेकंड के अंदर ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो मैंने खरीदा है मेवी का फोर्ट S60 साउंड बार। साउंड बार का बॉक्स आ जाता है। इसके अंदर 2 सबवूफर दिए गए हैं डेडिकेटेड, और इसमें 2 डेडिकेटेड ट्विटर दिए गए हैं, जो कि इसको 2.2 चैनल का बनाते हैं, जो कि काफी अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है साउंड बार के हिसाब से। इसके अंदर 3 ऑडियो मोड्स दिए गए हैं, मूवी, म्यूजिक और न्यूज के लिए, और ये मेड इन इंडिया ब्रांड है, और इसको मैन्युफैक्चर और डिजाइन दोनों इंडिया में ही हुआ है। तो जल्दी जल्दी हम बॉक्स को खोलते हैं, देखते हैं उसके अंदर क्या क्या है। तो यहाँ पे हमें एक बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स मिलता है जो मूवी का बॉक्स है, उसके अंदर सारे उसके फीचर्स लिखे गए हैं। एक छोटा बॉक्स मिलता है, देखते हैं उस छोटे बॉक्स के अंदर क्या है। छोटे बॉक्स के अंदर हम खोलते हैं तो हमें पावर अडैप्टर दिखता है, जिसकी लेंथ सही लग रही है, और उसके अलावा हमें ऑक्स केबल मिलती है, और उसके साथ साथ इसके अलावा हमें रिमोट के सेल मिलते हैं। तो इसके बाद हम बॉक्स खोलते हैं, देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या है। तो जल्दी से हम बॉक्स खोल लेते हैं। तो बॉक्स के अंदर सबसे ऊपर हमें साउंड बार देखने मिल जाता है। साउंड बार को बाहर निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या है, कैसा दिखता है, कैसा लुक है उसका। इसको साइड रख देते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें और क्या मिलता है। तो ये हमें रिमोट मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है कि हम डायरेक्टली वायरलेसली कंट्रोल कर सकते हैं रिमोट से। तो रिमोट्स के अंदर जितने ही बटन्स हैं हम देख सकते हैं, मेवी के लोगो भी दिया गया है रिमोट पे। तो ये रिमोट के सारे कंट्रोल्स हैं, इसमें पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं, हम प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं, ऑडियो का मीडिया कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हमें बेस कम ज़्यादा करने कोई ऑप्शन मैनुअली नहीं है। ये कुछ पेपर वर्क है मीवी की तरफ से। तो इसमें वारंटी के रिलेटेड पेपर होगा, तो इसमें हमें कुछ साइड रख देते हैं। अब हम डायरेक्ट साउंड बार खोलते हैं, पन्नी के अंदर से निकालते हैं, देखते हैं कैसा लुक है उसका। तो साउंड बार हमारा काफ़ी लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, और सामने की तरफ से हमें मीवी के लोगो देखने मिलता है, और हमें मेटल ग्रिल भी देखने मिलती है। ये इसके साइड में 2 रेडिएटर दिए गए हैं, सिल्वर कलर का है, काफ़ी अच्छा चमकदार लगता है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है साउंड बार की, बजट को देखते हुए। और एक साइड में हमें पावर वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए बटन है, पावर के लिए बटन है, ये अच्छी चीज़ है। और पीछे के साइड हमें वॉल माउंट करने के लिए पहले से दे रखा है इजिली, जिससे हम वॉल माउंट डायरेक्टली कर लें। और उसके अलावा हमें इनपुट्स देखने मिलते हैं। इनपुट में हमें DC पोर्ट है डायरेक्ट पावर के लिए, उसके अलावा हमारे पास ऑक्स पोर्ट है, कोएक्स केबल का पोर्ट है, और USB का पोर्ट है। उसके अलावा इसमें ब्लूटूथ 5.0 तो है ही। सारा कंटेंट हमें इस बॉक्स मीवी के साउंड बार के साथ देखने मिलता है। तो ये हमारा साउंड बार की अनबॉक्सिंग हो चुकी है, मैं ये साउंड बार यूज करना स्टार्ट कर दिया है। कुछ ही दिनों में मैं इसका डिटेल रिव्यू भी अपलोड कर दूंगा, उसमें बताऊंगा कि हर मोड में कोई डिफरेंस हमें देखने मिलता भी है कि नहीं, और साउंड इसका कैसा है, बेस इसका कैसा है, क्योंकि ये सारी चीजें ही इसके हाईलाइट है। प्राइस की बात कर लें तो जब ये 4-5 महीने पहले लॉन्च हुआ था, तब इसका इंट्रोडक्टरी प्राइस था 3,000 रुपीज। नॉर्मल प्राइस इसका 3,500 है, जो कि इनकी वेबसाइट पे भी आपको देखने मिल जाएगा, लेकिन सेल में मुझे सिर्फ 2,200 रुपए का मिला है। और अगर आपके पास फ्लिपकार्ट का क्रेडिट कार्ड है तो आपको 5% कैशबैक और मिलेगा, तो इसका इफेक्टिव प्राइस 2,090 रुपए ही रह जाता है। उस प्राइस रेंज में इससे अच्छा साउंड बार मुझे कोई नहीं मिल रहा था, और कोई भी ब्लूटूथ स्पीकर आपको इसके कंपैरेटिव इससे अच्छा नहीं मिलेगा। तो अगर आपको पोर्टेबिलिटी का इशू ना हो तो आप इस साउंड बार को जरूर ले सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे अनबॉक्सिंग लेके आता रहूंगा।